हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आरआरबी जेई के जो आंसर की आई है उसमें जितने शिफ्ट का पेपर हुआ, पेपर के हिसाब से पेपर किस स्तर का था और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितना नंबर किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ेगा, तो उसके अनुसार जिस किस डेट को पेपर हुआ था और कैसा पेपर था और किस शिफ्ट में था और कितना नंबर बढ़ने की उम्मीद है, नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना होगा। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखिए कि जिन लोगों का पेपर 22/5/2019 को था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का पेपर जो है अप्रॉक्सीमेटली एवरेज था। एवरेज पेपर होने की वजह से इसमें जो है 3 से 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उन लोगों पर रॉ मार्क में इंक्लूड हो जाएगा, यानी 22 तारीख को 3 से 4 नंबर बढ़ जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद जब रिजल्ट आएगा। उसके बाद बात करते हैं 23/5/2019 की। इसमें देखिए कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर एवरेज था, इसलिए इसमें 3 से 4 नंबर की वृद्धि होगी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। लेकिन जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो टप था, थर्ड शिफ्ट का पेपर टप होने के कारण रॉ मार्क में 8 नंबर तक प्लस हो सकता है। यानी 23 तारीख को थर्ड शिफ्ट में टफ पेपर था, इसलिए उसमें 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होने के बाद प्लस हो जाएगा मार्क। इसके बाद आप देखिए 23 के बाद 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, जो 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज पेपर था, सेकंड शिफ्ट में पेपर एवरेज था और थर्ड शिफ्ट में पेपर एवरेज था, यानी तीनों शिफ्ट में एवरेज पेपर होने के कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क 3 से 4 नंबर प्लस हो सकता है। 24 तारीख को पेपर एवरेज होने के कारण 3 से 4 नंबर प्लस हो सकता है। इसके बाद 25/5/2019 को देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है बहुत ईजी था, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 मार्क प्लस हो सकते हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर एवरेज था, इसलिए 3 से 4 मार्क प्लस होगा नॉर्मलाइजेशन मार्क रॉ मार्क में प्लस होगा। और थर्ड शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था, यानी सामान्य पेपर था, इसलिए उसमें 3 से 5 नंबर प्लस होगा रॉ मार्क में। जो आप लोग आंसर की मिला है उसमें इतना प्लस हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। इसके बाद बात करेंगे 26 तारीख के पेपर की। 26 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो ईजी पेपर था, इसलिए 2 से 3 नंबर रॉ मार्क में प्लस होगा। सेकेंड शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था, इसलिए उसमें 4 से 6 नंबर, और थर्ड शिफ्ट का पेपर भी मॉडरेट था, इसलिए उसमें 4 से 6 नंबर जो है बढ़ने की उम्मीद है रॉ मार्क में। इसके बाद बात कर लेते हैं 28 तारीख के पेपर की। 28 तारीख के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों में पेपर जो है मॉडरेट था, इसलिए 4 से 6 नंबर प्लस होने की उम्मीद है। यानी इन कैंडिडेट को जो इस शिफ्ट में पेपर दिए हैं उनके जितने मार्क अभी आंसर की मिलाने पाए हैं उसमें 4 से 6 नंबर प्लस हो सकता है। इसके बाद जो 29 तारीख का पेपर हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो मॉडरेट है, इसलिए 4 से 6 नंबर प्लस होगा। सेकंड शिफ्ट का पेपर जो बहुत टफ था, इसलिए 7 से 9 नंबर प्लस होगा। थर्ड शिफ्ट का पेपर टफ है, इसलिए 7 से 9 नंबर प्लस होगा। और 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर टफ था, इसलिए उसमें 8 से 10 नंबर प्लस होने का चांस है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, इतने नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद 27 तारीख के पेपर, 27 तारीख के पेपर को देखिए कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है एवरेज पेपर था, तो इसलिए इसमें 3 से 4 नंबर प्लस हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था, इसलिए 4 से 6 नंबर प्लस होगा आपके रॉ मार्क में। थर्ड शिफ्ट का पेपर एवरेज था, इसलिए 3 से 4 नंबर प्लस होगा। इसके बाद 28 तारीख का पेपर आप देखिए, तो 28 तारीख का पेपर आप उठाएंगे तो देखेंगे तीनों शिफ्टों का पेपर मॉडरेट है, इसलिए 4 से 6 नंबर प्लस होगा रॉ मार्क में। इसके बाद 29 तारीख का पेपर आप उठाएंगे तो देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का मॉडरेट है, इसलिए 4 से 6 नंबर प्लस होगा। सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ था और थर्ड शिफ्ट का पेपर टफ था, इसलिए इसमें 7 से 9 नंबर प्लस होने की उम्मीद है। तो आप देख लीजिए कि इसके बाद 31 तारीख का पेपर देखिए, 31 तारीख का पेपर, 31/5/2019 के जिनका पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था, इसलिए 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे।
प्लस होने की उम्मीद है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। सेकंड शिफ्ट का पेपर टप था, इसलिए 8 से 9 नंबर बढ़ेंगे। थर्ड शिफ्ट का पेपर जो है 10 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ये टफ पेपर था। और 1 तारीख को देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ है, इसलिए इसमें 7 से 9 नंबर की इंक्रीजिंग होगी, यानी ये रॉ मार्क्स में 7 से 9 नंबर बढ़ जाएंगे। इसके बाद 2 तारीख का जो पेपर हुआ है, 2 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत टफ था, और 1 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट था उसका पेपर और ज़्यादा टफ था, जिसमें 12 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और 2 तारीख का जो फर्स्ट पेपर है वो और टफर था, जिसमें बहुत ज़्यादा टफ है, 13 से 16 नंबर की वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है वो टफ था, इसलिए उसमें 7 से 9 नंबर की वृद्धि होगी। तो ये आप देखिए पूरा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितना नंबर बढ़ेगा, ये उसका पूरा शेड्यूल है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद लगभग सभी कैंडिडेट का 3 से 16 नंबर तक, जिस शिफ्ट के हिसाब से प्लस माइनस सब कह सकते हैं, 3 से 16 नंबर तक अभी क्वेश्चन बढ़ेंगे। जैसा कि एक बार जिस शिफ्ट का पेपर टफ है उसमें मार्क अधिक बढ़ेंगे, जिस शिफ्ट का पेपर मॉडरेट है थोड़ा सा कम बढ़ेंगे, जिसमें ईजी है उसका और कम नंबर बढ़ेगा, जिसका एवरेज तरीके से नंबर बढ़ा गया। तो ये आप देखिए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितना नंबर आपको मिल सकता है, इसलिए एवरेज के हिसाब से इस तरह के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर मिलते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल इलाहाबाद स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।